अगर आपको भी मेरी तरह खूबसूरत नज़ारे और पीसफुल वाइब में मी टाइम के साथ रहना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसॉर्ट जो कि है अपने महाराष्ट्र में। यस, इस बार दिवाली में आप स्किप कर दीजिए गोवा की भीड़ और आइए इस ब्यूटीफुल से हिडन जेम में, जिसकी वाइब जितनी खूबसूरत है उतना ही लग्जूरियस ये रिसॉर्ट है। तो चलो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर, लेट्स गो। सो बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया है और इस बार के वीकेंड में हम लोग आए हैं कोहिनूर बीच रिसॉर्ट इन रत्नागिरी। आई डोंट नो अगर आपने वो मराठी मूवी देखी है फुल 3 धमाल, उसकी शूटिंग इसी रिसॉर्ट में हुई है और वो मूवी देखकर ही मैंने ये प्लेस ढूंढ के ये रिसॉर्ट बुक किया है। सो मेरे पीछे यहाँ पे जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल एग्जीक्यूटिव सी व्यू रूम्स जिनको पार्शियल सी व्यू मिल जाता है। एंड ऑन माई राइट वी हैव फैमिली रूम्स, सो इफ़ यू आर लाइक अ ग्रुप ऑफ 4-5 देन यू कैन बुक दोज फैमिली रूम्स। सो एक करते हैं रिसॉर्ट का वॉकिंग टूर, लेट्स गो। पुणे से आ रहे हैं इस रिसॉर्ट में तो ये रिसॉर्ट अराउंड 300 किलोमीटर्स दूर है। अगर आप खुद की गाड़ी में आ रहे हो देन नो चैलेंज एट ऑल, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो रत्नागिरी विल बी योर बस स्टॉप। वहाँ से ये रिसॉर्ट सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। वैसे इस रिसॉर्ट की पूरी टूर, रूम टूर सब कुछ है इस वीडियो में और इसके सारे प्राइजेस, इसकी बुकिंग डिटेल्स आगे सब आ रहा है वीडियो में। सो इसको एंड तक देखते रहिए एंड यस एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू अलॉन्ग विथ मी। और हाँ एक जकूजी भी है यहाँ पे, लेट मी जस्ट शो दैट टू यू। यहाँ पे ये जो है जकूजी भी है। द वाटर इज क्लीन, सुपर क्लीन। सो कल शाम को हमने काफी एंजॉय किया है इस पूल में। सो यस आई एम श्योर आपकी फैमिली के साथ आप एक ऑसम सा हॉलिडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये जो रूम है बहुत ज़्यादा स्पेशियस रूम है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक डांस फ्लोर है, आप यहाँ पे डांस कर सकते हो, इट्स वेरी नाइस। एंड ये है एक बड़ा सा बेड, वेरी वेरी कम्फर्टेबल। सो इट्स अ एसी रूम, इसके है ये 1 mini फ्रिज, इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि टीवी, टी कॉफी मेकर, एवरीथिंग इज देयर इन दिस रूम। और एंड देन दीज आर टू वेरी माई फेवरेट कम्फर्टेबल सीटिंग चेयर्स, यहाँ पे बैठ के कल हमने लंच किया था और यहाँ से आपको दिखेगा सी व्यू। तो हम लोग वो व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं जो कि यहाँ का सबसे बड़ा USP है। ओह लुक एट द ब्रीज, इट्स नॉट ब्रीज, इट्स विंड। सो या ये है इनका सनसेट पॉइंट, लेकिन आज इतना ज़्यादा क्लाउडी है तो सन तो नहीं है, बट या वी कैन गो एंड एन्जॉय द व्यू। ये है इनका 360 डिग्री रेस्टोरेंट, सो यहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है आपको एंड इट्स ओनली ओपन अगर यहाँ पे कुछ फंक्शन हो या कुछ हो। या सो यहाँ पे आके इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, इसके जो व्यूज़ है मुझे उलुवातू की याद दिला दिया। सो उलुवातू इज़ अ प्लेस इन बाली जहाँ पे इसी तरह के क्लिफ व्यूज़ है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। बीच के लिए डायरेक्ट एक्सेस भी है यहाँ से, यू कैन गो
वो डाउन, और ये जो बीच है वो है भाटे बीच, और ऑलमोस्ट एक प्राइवेट बीच के जैसे है. यू कैन सी दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी नहीं है. सो या यू कैन स्किप द गर्दी, गणपति पुले का गर्दी, और आप यहाँ पे आ सकते हो. और ये रिसोर्ट से 20 किलोमीटर्स दूर है गणपति पुले से. अगले दिन अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठ के हम लोगों ने साइकिल लिया और पहुंच गए व्यू पॉइंट पे सनराइज देखने के लिए. इट वॉज सो मच फन. मैंने तो काफ़ी सालों बाद साइकिल चलाई थी, एंड इवन डैड ने भी, तो हम सब तीनों ने मिलके बहुत ज़्यादा मस्ती की यहाँ पे. सो हम इस रिसोर्ट में पहले भी आ चुके हैं, तब मैं मेरे डैड के साथ यहाँ पे आई थी. सो आई जस्ट थॉट लेट मी ऐड दिस क्लिप एंड गिव यू द रूम टूर ऑफ द फैमिली रूम दैट वी स्टेड. सो ये है फैमिली रूम. यहाँ पे आराम से चार लोग कंफर्टेबली रह सकते हैं. यू हैव वन बिग डबल बेड और दो सिंगल बेड है. बाकी जो सारी एमिनिटीज़ है वो सिमिलर ही रहेगी. टी कॉफ़ी मेकर, योर मिनी फ्रिज एंड द व्यू, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी सिमिलर. बट येस, इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ फोर देन दिस शुड बी योर ऑप्शन. सो दैट्स अ पार्शियल सी व्यू दैट वी गेट फ्रॉम द रूम. So the price of this room is 6,500 rupees per night. This is inclusive of breakfast for all your four guests. So ये है resort की lobby area. So जब भी आप यहाँ पे पहुँचते हो, आपकी सारी check-in, check-out, everything, all the formalities have been done here. You can sit over here and lounge. और वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि pool table है खेलने के लिए. There is a small game room. They also have a conference room over here. So they charge you somewhere around 100 rupees per hour to play pool. And yes, bahar hi aapko achha sa seating sa area hai. Wahan pe baith ke you can have a view of the sea and the swimming pool. So yahan pe zor se barish aa rahi hai aur abhi hum log ja rahe hain swimming pool. Koi bhi nahi hai pool mein as usual. Look at those ripples, water is creating. Wow. Hi Jitin. There he comes. Oh, one all. सो यहाँ पे तीन दिन कैसे ख़त्म हुए हमें बिल्कुल समझ में ही नहीं आया. इतनी ज़्यादा हमने यहाँ पे एंजॉय किया इस रिसॉर्ट में. सो आई होप आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड यू कैन प्लान टू कम ओवर हियर. आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स एंड आई विल श्योरली रिप्लाई बैक. इस रिसॉर्ट की जो बुकिंग डिटेल्स है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड द फ़ोन नंबर इज़ वेल. So yes, I think that's all I had from this video. Thank you so much for watching. And till then, this is your host Bunny signing off. Bye-bye.